नमस्कार किसान भाइयों, खेत कल्याण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके खाद 05234 के बारे में। एनपीके घुलनशील खाद 05234 वो हमको अपनी फसल पर किस स्टेज पर देना चाहिए तथा कितना स्प्रे करना चाहिए और इसका स्प्रे करने का क्या क्या फ़ायदा होता है और यह क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आगे हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, एनपीके खाद 05234 में नाइट्रोजन की मात्रा 0% तथा फास्फोरस की मात्रा 52% और पोटेशियम की मात्रा 34% होती है। इसमें मेजर फास्फोरस व पोटेशियम की मात्रा होती है तो इसका प्रयोग करने से फसल में क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो इसमें 52% फास्फोरस की मात्रा होती है। फास्फोरस का मुख्य काम जड़ों को मजबूत करना व नई जड़ों का विकास करना तथा तने को मजबूती प्रदान करना फास्फोरस का मुख्य काम होता है। इसके अलावा इसमें 34% पोटेशियम की मात्रा होती है तथा पोटेशियम का मुख्य कार्य दानों को भरने का काम करता है एवं मतलब फलियों एवं बालियों का विकास इसका मुख्य काम होता है और पौधे को सेहतमंद बनाने का काम भी पोटेशियम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 05234 का स्प्रे कर रहे हैं तो सही स्टेज पुष्पन वाली स्टेज है। पुष्पन वाली स्टेज का तात्पर्य फूल वाली अवस्था, जब अपनी क्रॉप में फूल निकल रहे हों या निकलने वाले हों तब 05234 का स्प्रे करना चाहिए, या फिर आपकी क्रॉप 50 से 65 दिन की हो तब आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। 05234 में फास्फोरस व पोटेशियम का कॉम्बिनेशन होता है। हमको पुष्पन स्टेज पर 05234 का स्प्रे इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पौधे को सबसे ज़्यादा फास्फोरस व पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तब फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम 05234 का प्रयोग करते हैं। जब पौधे की वानस्पतिक स्टेज होती है तब हमें 19-19 का प्रयोग करना चाहिए तथा फूल निकलते समय 05234 का स्प्रे करना चाहिए तथा फल बनते समय 0050 का स्प्रे करना चाहिए। यदि आप 05234 को खरीफ व रबी की फसलों में स्प्रे कर रहे हैं जैसे गेहूं, मक्का, कॉटन, धान, गन्ना जैसी फसल में इसका उपयोग कर रहे हों तो 1 किलो प्रति 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। या फिर जैसे आप वेजिटेबल क्रॉप में इसका प्रयोग कर रहे हैं जैसे लौकी, गिलकी, भिंडी वगैरह में तो इसका 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। अपन जैसे इसकी कीमत की बात करें तो यह 250 से 280 रुपये पर किलो के हिसाब से समथिंग ये इसका मूल्य है।